गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नए क्लास का अध्याय तीन अणु और परमाणु स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले को परमाणु, क्या बोलते हैं? एटम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एटम कहते हैं। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, परमाणु किसे कहते हैं? सबसे पहले परमाणु को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ। जो कुछ भी आपको इस सृष्टि पर विद्यमान या दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, द्रव्य और तीसरी है गैस। ठोस, द्रव्य और गैस, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठोस है। ये चौक दिखाई दे रही है, ठोस है। बेंच है, ठोस है। सभी लगभग बाद में सोना है, चांदी है, ठोस है। तो वो क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। वैसे ही जल है, जल जो आप पीते हो, पानी पीते हो, वो क्या है? पदार्थ है। गैस, वायुमंडल में गैस है, जो आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, तो ऑक्सीजन वो क्या है? पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? पदार्थ है। नाइट्रोजन है वो क्या है? पदार्थ है। अर्थात छोटे 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 कणों से मिलकर, कणों से मिलकर जो बना होता है, छोटे छोटे कण क्या होते हैं? पदार्थ कण होते हैं, विद्यमान होते हैं। इन छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है? पदार्थ है। और इन छोटे छोटे कणों को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इन कणों को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब अगर आप एक केजी चीनी लेके आते हो तो एक केजी चीनी में क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। और वो पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। दो केजी लेके आओगे तो परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी, पांच केजी चीनी लेके आओगे तो परमाणु की संख्या और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपके पास एक केजी, एक लीटर क्या है? एक लीटर। द्रव्य को किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। एक लीटर जल है तो परमाणु की संख्या क्या है? लगभग एक लीटर है। दो लीटर द्रव्य है तो परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी, पांच लीटर है तो परमाणु की संख्या और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से आपके पास एक लीटर क्या है? ऑक्सीजन है। गैस को भी किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। याद रखना, गैस को किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। तो एक लीटर ऑक्सीजन है तो आपके पास क्या है? परमाणु की संख्या एक लीटर है। दो लीटर होगी तो ज्यादा हो जाएगी परमाणु की संख्या, और पांच लीटर है तो ज्यादा और ज्यादा या और अधिक हो जाएगी संख्या। तो परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। आप परमाणु एटम अलग होता है और एटम बम अलग होता है, कहते हैं आप इसको एटम बम समझ लेना। तो पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता,
परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इसके बाद आप देखो क्या देखोगे, अणु। अणु देखने से पहले आपको तत्व देखो, क्या देखो, तत्व, क्या देखो, तत्व। ठीक है, ये CU है, तो इसमें क्या है, एक जैसे है, CU 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 के ही पदार्थ हैं, अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ये तत्व है, क्या है, तत्व है, ठीक है। अणु देखो, अणु तत्व और तत्व मिलने, तत्व और तत्व, ये तत्व है, ये क्या है, अणु है, क्या है, अणु है। अगर मैं F1 F2 F3 चार लिख दिया, तो ये एफ के कितने हो गए, मान लो पहले मैंने दो लिखे, कितने लिखे, एफ के कितने हो गए, दो। तो ये भी क्या है, अणु है, क्या है, अणु। और एफ के मैंने 1 2 3 4 ये लिख दिए, तो ये भी क्या है, अणु है, क्या है, अणु है। कितने अणु है, लिखे चार है, क्या है, चार है। तो परमाणु तत्व या यौगिक, या यौगिक मिलकर, मिलकर अणु का क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। H2 है ये H और ये H, तो ये क्या है, अणु है, क्या है, अणु है। अगर मैं लिखूं एच तो ये सीएल, एच लिख दिया, एचसीएल नहीं, एच और इधर ये क्या हो गया, सीएल। फिर मैं लिखूं दोबारा एच और दोबारा कर लिखूं सीएल, तो ये भी क्या है, अणु है। लेकिन ये क्या है, ये तत्व है और ये क्या है, यौगिक है। तो अणु में क्या हो सकता है, तत्व भी आ सकता है और क्या हो सकता है, यौगिक भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तत्व व यौगिक। इसके बाद में देखो चरणबद्धता, अपना
बाह्य तरंग कोस या एस्पेक्ट पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है देखो इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र 2n² क्या होता है 2n² हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन एक नंबर दो नंबर का संख्या तत्व चार और ये पहला है जो दस में करता है पहले कोश इसको कोश बोलते हैं क्या बोलते हैं कोश पहला कोश होता है जिसको के बोलते हैं दूसरे को क्या बोलते हैं एल इस तरह से के एस एम एन जैसे आगे पूछ दिया के का मान होता है एक ये देखो एक नंबर का एल दो एम तीन और एन चार ठीक है इस तरह से का मान होता है और अब ये मान किसके अंदर रहता है इस उत्तर में रहता है इसमें इलेक्ट्रॉन एक है तो ये एक इलेक्ट्रॉन बन गया और इसको क्या करना पड़ेगा अपना एस्पेक्ट पूर्ण करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा दान कर देगा इलेक्ट्रॉन दान कर देगा या ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करेगा इसके हाइड्रोजन पर आवेश प्लस एक और माइनस एक होता है संयोजकता प्लस एक की होती है माइनस एक होती है इसलिए हाइड्रोजन का तो होता है सोडियम का प्रतीक होता है Na परमाणु क्रमांक होता है 11 परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 11 होती है कितनी होती है 11 ये नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 2 ये 2 बन गए कितने बन गए 2
के कोस एल में कितने मिल जाते हैं, एल का मान कितना था, 2 तो 2 इनटू 2 का होल स्क्वायर, 2 इनटू 4 इज इक्वल टू 8। तो आगे वाले कोस में ये मिले हैं एल में कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल कितने में 8 और 2 10, ये कोस आ गया, क्या गया एम, क्या गया एम। इलेक्ट्रॉन से रहा है ए, क्या रहा है ए। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन गए, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं। इस जैसा क्या करेगा ये, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, दान कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान करते ही ये कोस या ये कक्ष क्या हो जाएगा, हट जाएगा और इस तरह से इसका एस्पेक्ट उलट जाएगा। इसलिए सोडियम पर दान करते ही क्या लगता है, प्लस, दाता, दाता पर प्लस होता है और ग्राही पर क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। इसलिए सोडियम पर क्या होता है, प्लस का एक होता है, क्या होता है, सोडियम पर प्लस का एक होता है। यही मैंने आपको बताया है कि संयोजकता किसे कहते हैं, किसी परमाणु द्वारा अपना बाह्यमन कोष या एस्पेक्ट उलट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का संग्रह किया जाता है संयोजकता कहलाती है। आपको करके मैग्नीशियम का बताओ, किसका बताओ, मैग्नीशियम का। तो देखो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एमजी परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक किसी के माने का जो नापो का तो कहते हैं मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 एमजी का 12 कितना होता है 12। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इस पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है मैग्नीशियम पर 12। क्या भाई नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 याद रखना, पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और फिर क्या हो गया, इस तरह से ये क्या हो गया 10 हो गए, 8 9 10, ये 11 और ये क्या हो गया 12। तो ये 2 6 गए, कितने आसान है, 2 देने आसान है, 2 देने आसान है, इसलिए टाइम भी बच जाती है, प्लस की 2 आती है। अब आपको 18 का तत्व बताइए, वृत्ताकार तत्व में इलेक्ट्रॉन घूमना सिखाता हूं, देखिए सबसे पहले है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, क्या है 1। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होगी 1 होगी। तो ये क्या है नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और ये इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन लिए, इस तरह से क्या क्या 1 इलेक्ट्रॉन लिए, ये हाइड्रोजन। फिर हीलियम, हीलियम दो नंबर का आता है, तो ये क्या हो जाएगा नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है हीलियम। फिर लिथियम, क्या हो गया लिथियम, लिथियम क्या होता है 3 नंबर पर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये नाभिक और ये क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कौन से कितने मिल जाते हैं 2, अब जाएगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 3। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पर कितने मिल जाते हैं। लिथियम के बाद में बेरिलियम, क्या आता है बेरिलियम, हाइड्रोजन का प्रतीक एच, हीलियम का एच ई, लिथियम का एल आई और बेरिलियम का बी ई, नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन 1 2 और ये क्या हो गया 1 और 2, कितना होगा है बेरिलियम बी ई, 4 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर आता है, ऋणावेश होता है, इनमें कौन सा आवेश होता है ऋणावेश होता है। इस तरह से आपको बनना है, कहां तक बनना है, ऑर्डर तक बनना है, कहां तक बनना है
या अपने नोटबुक में और कर 18 तक भरोगे, कहां तक भरोगे, 18 तक भरोगे अपने नोटबुक में, और उसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है।